तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो वहीं मोदी सरकार है कि इनकी मांगों को मानने को राजी नहीं हो रही। सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। अब किसान के समर्थन में आए पूर्व विधायक परमेंद्र ढुल ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भाजपा पर कड़ा हमला किया और बीजेपी सरकार को बेरहम सरकार ही बता डाला। यही नहीं, उन्होंने तीन कृषि कानूनों की तुरंत रद्द करने की मांग उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार को आंदोलनकारी किसानों के साथ मानवता से पेश आना चाहिए। हमारे थोड़ी गांव के नौजवानों ने, पूरे गांव ने इकट्ठा होकर के जो सेवा का लंगर चलाया, उस लंगर में अपना योगदान देने आए थे, और जब तक ये लंगर चलेगा समय समय पर अपना योगदान देते रहेंगे। क्या कहेंगे किसान को लगातार दो महीने से ज्यादा दिल्ली में बैठा हुआ है, तो ऐसे में बेरहम और निरंकुश सरकार के हाथों आज इतना बड़ा आज़ादी के बाद का आंदोलन आज चला है, और मैं तो अब भी समझता हूँ कि अगर उनमें जरा सी भी गैरत बाकी है तो किसान जो परमात्मा का रूप है, जो अन्नदाता है, उसके कदमों में झुक करके उनकी सारी जायज मांगे मान करके तीनों काले कानून रद्द कर देने चाहिए, और आगे कोई भविष्य में कोई योजना बनानी है तो किसानों के साथ बैठ करके बातचीत करके उसकी रूपरेखा बनाए। वर्तमान में तीनों काले कानून रद्द करने के अलावा कोई विकल्प बाकी है? जान भी जा चुकी है उनके बारे में। आज जो 70 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, एक तरफ तो परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों को हिम्मत दे और उनके जो बलिदान हैं वो विफल नहीं जाएंगे। आज किसान जाग चुका है, पूरा किसान देश का किसान आज इकट्ठा होकर इस लड़ाई को, इस वजूद की लड़ाई को लड़ने के लिए ललायत होकर के चल पड़ा है दिल्ली। बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में पिछले कई दिनों से पौली गांव में लगातार लंगर सेवा चल रही है, जहां आज पूर्व विधायक परमेंद्र ढुल अपना सहयोग देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान आज जाग चुका है और वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, और आज़ादी के बाद पहली बार इतना बड़ा जन आंदोलन देश में हो रहा है। ऐसे में सरकार को संवेदनशीलता से काम लेते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इस किसान आंदोलन के चलते अब तक करीब 70 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जुलाना से विजेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी।